नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा ने शिवसेना नेता संजय राउत की बौखलाहट बढ़ा दी है। कोविड 19 की तीसरी लहर को आमंत्रित करेगी बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, ये संजय राउत की ओर से कहा गया है। लेकिन इस पर अब केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संजय राउत को करारा जवाब दिया है। कोविड के बीच फर्जी किसान आंदोलन टीएमसी का खेला होवे का नाटक और संसद सत्र में भीड़ एकत्रित कर किया गया ड्रामा, सब कुछ जायज था, सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा का ऐलान किया तो शिवसेना को कोविड की तीसरी लहर याद आई। शिवसेना को याद आया कि देश में कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। तो देश के 19 राज्यों के 265 जिलों में चल रही भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा को देखकर विपक्ष के हाथ पांव फूले हुए हैं। और यही वजह है कि जहां बंगाल में ममता बनर्जी सरकार बीजेपी के इस यात्रा को रोकने की कोशिश कर चुकी है, यहां तक कि जो केंद्रीय मंत्री थे बंगाल में जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे थे उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन उसके बाद अब शिवसेना सांसद संजय राउत की बौखलाहट सामने आई है। संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर को बुलावा देगी। इतना ही नहीं, संजय राउत ने यह भी कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा तब आयोजित की जा रही है जब इसकी कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण संबंधी चिंता को ये बीजेपी की जो यात्रा है ये बढ़ाएगी, ये संजय राउत की ओर से कहा गया है। लेकिन आपको बता दें, शिवसेना सांसद संजय राउत के इस बयान पर अब केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कृपया संजय राउत को यह बताया जाए कि मैं इस पर मैंने ध्यान दिया है, लेकिन हम सरकार की नीतियों को लोगों तक ले जाना बंद नहीं करते हैं। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन उन दृश्यों को देखें जब संबंधित नेता मास्क नहीं पहने हुए एक दूसरे के करीब है और सदन के वेल में है, यानी किस तरीके से संसद सत्र में जो तमाम विपक्षी पार्टियों के सांसद थे उनकी तरफ से हंगामा किया गया, वहां भीड़ एकत्रित की गई और किसी भी सांसद के मुंह पर मास्क नहीं लगा था, वो याद दिलाने की कोशिश केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जाहिर तौर पर की। क्योंकि जिस तरीके से अब संजय राउत की ये बौखलाहट सामने आई है, साफ तौर पर बयां कर रही है कि चूंकि बीजेपी इस जन आशीर्वाद यात्रा के तहत अब अपनी जो योजनाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, जनता की क्या दिक्कतें हैं, जनता की क्या समस्या है, उनको टटोलने की कोशिश करेगी। तमाम जो नए केंद्रीय मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं वो तमाम मंत्री अपने अपने इलाकों में खासतौर पर जाएंगे और वहां जनता के बीच पहुंचेंगे। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बड़ा फायदा हो सकता है। और यही वजह है कि विपक्ष की बौखलाहट बढ़ी हुई है और संजय राउत अब कोविड की तीसरी लहर का हवाला दे रहे हैं। ये वही संजय राउत हैं, याद रखें, जो कोविड की दूसरी लहर में किसान आंदोलन को जायज ठहरा रहे थे। उनकी तरफ से किसान आंदोलन को सही ठहराया गया। इसके अलावा खुद उन्होंने जो जनसभाएं की वो भी ठीक था। इसके अलावा आपको बता दें, उत्तराखंड में हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनावी रैली की, वो भी ठीक है। और यहां तक कि महाराष्ट्र में लगातार जिस तरीके के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, खुद शिवसेना के नेता कर रहे हैं, सब कुछ जायज है। लेकिन बीजेपी ने अगर जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का ऐलान किया है, अगर जनता के बीच वो पहुंच रहे हैं, उनके नेता पहुंच रहे हैं और जनता की समस्याओं को टटोल रहे हैं, अगर वहां योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं, तो उससे अब शिवसेना और टीएमसी की बौखलाहट बढ़ी हुई है। आपको बता दें, बीजेपी की इस जन आशीर्वाद यात्रा को बीजेपी के 43 जो नए केंद्रीय मंत्री हैं वो मिलकर संभाल रहे हैं और इस यात्रा का उद्देश्य आम जनता तक पहुंचना है, जिससे केंद्र सरकार और आम जनता के बीच सीधे संपर्क हो सके। आपको बता दें, ये यात्रा 16 अगस्त से शुरू हो चुकी है और 20 अगस्त तक इसके पूरे होने का दिन सुनिश्चित किया गया है बीजेपी की ओर से। ये यात्रा पूरे देश के 19 राज्यों के 265 जिलों से होकर गुजरेगी। इस दौरान जो
तमाम 43 नए केंद्रीय मंत्री हैं वो अपने सहयोगियों के साथ, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, जो नेता हैं उनके साथ आम लोगों से मिलेंगे और बातचीत करेंगे। साथ ही जो पहले की योजनाएं हैं उनका कितना लाभ देश की जनता को पहुंचा है, प्रदेश की जनता को पहुंचा है, इसका आकलन किया जाएगा, जनता से बातचीत की जाएगी और इस तरह की इस यात्रा के माध्यम से बीजेपी आम जनता से सीधे संपर्क साधेगी, उनका फीडबैक लेगी। और यही तमाम वजह है कि संजय राउत और ममता बनर्जी सरकार इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। हालांकि इस पूरे मौके पर संजय राउत की तरफ से यह भी कहा गया कि कोविड-19 महामारी के दौरान महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से किए गए तमाम प्रयासों और कार्यों की उन्होंने सराहना की है। उद्धव ठाकरे ने बेहतरीन काम किया है, ये गुणगान संजय राउत की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राजनीति से ऊपर उठकर काम किया और खासतौर पर कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। तो कितना प्रयास किया गया है ये हर कोई देख चुका है कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य था देश का जहां सबसे ज्यादा संक्रमण के जो मामले हैं वो सामने आए, सबसे ज्यादा मौत अगर किसी राज्य में हुई कोविड के चलते तो महाराष्ट्र में हुई और तमाम जो बद इंतजामी थी वो देखने को मिली, मिसमैनेजमेंट पूरे तरीके से देखने को मिला, यहां तक कि केंद्र सरकार की ओर से तमाम बंदोबस्त किए गए। लेकिन चूंकि वोट बैंक हासिल करना है तो ऐसे में तमाम जो पैतरे हैं वो अपनाए जा रहे हैं और इस तरीके से उद्धव ठाकरे की तमाम प्रशंसा जो है वो संजय राउत कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को रोकने की विपक्ष की तमाम कोशिशें फिलहाल फेल हो रही है। चूंकि आपको बता दें ममता बनर्जी खुद बंगाल में इस जन आशीर्वाद यात्रा को रोकने का काम कर चुकी है, 16 अगस्त को इसकी शुरुआत हुई थी और बीजेपी ने बंगाल में शहीद सम्मान यात्रा का नाम इस जन आशीर्वाद यात्रा को दिया था, जहां तमाम जो बंगाल से केंद्रीय मंत्री हैं खासतौर पर मथुआ समुदाय से केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने वहां यात्रा निकाली लेकिन उन्हें गिरफ्तार क्या किया। इसके अलावा 30 से ज्यादा जो पार्टी के कार्यकर्ता थे उनकी गिरफ्तारी भी ममता बनर्जी सरकार ने करवाई और इसको लेकर बीजेपी अब ममता बनर्जी सरकार पर लगातार हमलावर बंगाल में नजर आई और खुद बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह कहा गया कि दरअसल जन आशीर्वाद यात्रा को रोकने का प्रयास ममता बनर्जी की ओर से किया गया है। तो ये जो यात्रा साफ तौर पर इसका मकसद यही है कि जनता के बीच पहुंचा जाए, जनता से फीडबैक लिया जाए कि क्या कुछ उन्हें सुविधाओं का लाभ मिला है, क्या कुछ योजनाएं जनता के बीच पहुंची हैं और क्या कुछ समस्याएं देश की जनता की हैं। और अगर बीजेपी जनता की नब्ज को टटोलेगी तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं राह बेहद आसान होगी। देश के कई राज्यों में आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं और बीजेपी ने ये जो रणनीति तैयार की है ये अपने आप में एक बड़ी रणनीति है, जहां उन्होंने तमाम नए केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है, जनता के बीच वो पहुंचेंगे, वहां उनसे तमाम फीडबैक लिया जाएगा और कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यों को चुनौती देना पहले ही विपक्ष के लिए बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। फिर चाहे वो शिवसेना हो, टीएमसी हो या तमाम विपक्षी दल हो, कांग्रेस पार्टी ही क्यों ना हो, तमाम ये पार्टियां एक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही है, तीसरा मोर्चा तैयार किया जाए तभी मोदी सरकार को हराया जा सकता है, तमाम उनकी कोशिशें हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी की रणनीति तमाम विपक्ष की इन कोशिशों पर पानी फेर रही है और यही सबसे बड़ी बौखलाहट की वजह इस वक्त शिवसेना और टीएमसी के लिए बनी हुई है। फिलहाल जिस तरीके से संजय राउत का ये बयान आया है तो संजय राउत को देश की जनता भी याद दिला रही है कि संजय राउत, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी ये ना भूलें कि किस तरीके से उन्होंने संसद में ड्रामा किया था, किस तरीके से उन्होंने इकट्ठे होकर सड़क से लेकर संसद तक मार्च किया और तमाम भीड़ एकत्रित की गई, लेकिन तब उन्हें कोविड की तीसरी लहर का क्या अंदाजा नहीं था। ये जवाब संजय राउत दें जो आज तीसरी लहर की बात कर रहे हैं। और सवाल ये भी देश की जनता पूछ रही है कि जो किसानों के नाम पर ये फर्जी किसान आंदोलन राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर
पर चल रहा है, जिसे शिवसेना समर्थन देती है, जिसे आम आदमी पार्टी समर्थन देती है, टीएमसी समर्थन देती है, वहां कोविड नजर नहीं आता है। लेकिन बीजेपी अगर अपनी रणनीति के तहत ये जो जन आशीर्वाद यात्रा है अगर निकाल रही है, अगर तमाम प्रदेश में पहुंचने की कोशिश उनकी तरफ से हो रही है, तो इस पर आखिर इतनी बौखलाहट क्यों है? अगर दिक्कत है तो वहां भी आवाज उठानी चाहिए थी, जब लगातार कोविड की दूसरी लहर के बीच ये जो आंदोलन जीवित है, ये दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए थे और जनसभाएं पर जनसभाएं हो रही थी, तब उनकी तरफ से आखिर इस तरीके का सवाल क्यों नहीं उठाया गया? तो पूरी तरीके से शिवसेना और शिवसेना के ये सांसद संजय राउत एक बार फिर से बेनकाब हो चुके हैं। तो वहीं ममता बनर्जी भी, जो खेला होवे की आठ में पुरजोर तरीके से खेला करने की कोशिश उनकी तरफ से 16 अगस्त को भी की गई, लेकिन बीजेपी ने उसका भी करारा जवाब दिया और एक बार फिर से बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह बता दिया कि इस तरीके का, जिस तरीके का तालिबानी और हिंसक शासन वो कर रही है, उससे बीजेपी डरने वाली नहीं है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।